गुड मॉर्निंग बच्चों, द एड्रेस पढ़ रहे थे हम, और अभी तक हमने पढ़ा कि राइटर एक एड्रेस पर जाती हैं जो उनकी मदर ने उन्हें दिया था। वो एक उनके पुराने परिचित का था, लेकिन वो उन्हें पहचानने से मना कर देती हैं और फिर कहती हैं कि मुझे नहीं लगा था कि उनमें से कोई वापस आएगा। औरत के बारे में सोचती हैं। एवरी टाइम शी लीव्स हियर एंड शी टेक समथिंग होम विद हर। हर बार जब वो आती तब अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाती थी। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक बार में वो सारा टेबल सिल्वर, यानी जितना भी कटलरी का सामान था, चम्मच, फोक, नाइफ्स, वो सब वो एक बार में ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर उसके बाद जो एंटीक प्लेट्स थी, एंटीक उन चीज़ों को कहा जाता है जो पुरानी और वैल्यूएबल होती हैं। एंटीक चीज़ें सजावट के काम आती हैं, और वो उनके घर की एंटीक प्लेट जो कि उनके घर में टंगी हुई थी, उन्हें भी लेकर गई। शी हैड ट्रेबल लगिंग दोज लार्ज वेजेज, और घर में जो बड़े बड़े वेजेज थे, जो फूलदान थे, उन्हें ले जाने में तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। और उनकी माँ बताती हैं कि मैं चिंतित हो गई थी क्योंकि जब वो क्रॉकरी ले जा रही थी तब उनको क्रिक, यानी उनको दर्द भी हो गया था बैक में। इसका मतलब राइटर की जो मदर थी वो बहुत ही सीधी थी, भोली भाली थी। उन्हें लग रहा था कि मिसेस डॉर्लिंग उनकी हेल्प कर रही हैं, जबकि मिसेस डॉर्लिंग उनका सामान अपने घर में ले जा रही थी यूज़ करने के लिए। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी मदर ने पिटिंगली यानी दया के साथ अपना सर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैं तो उससे ये कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी, यानी मैं उससे नहीं कह सकती थी कि मेरे घर का सामान अपने घर में रख लूँ। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, मिसेज डोरलिंग ने खुद ही इस बात का सजेशन दिया था, सुझाव दिया था। शी इवन इंसिस्टेड, और उसने जोर डालकर कहा था कि वो अपने घर का सामान उसके पास रख दे। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरे घर की सारी अच्छी चीज़ें बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरी थिंग शी सेज, अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत डर था, जो जर्मन नाजीज थे वो ज्यू को वहाँ से निकाल रहे थे, उन्हें उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या आप इस बात के लिए मान गई कि वो आपकी सारी चीज़ें रखेंगी, यानी आपको उन पर विश्वास है कि वो आपकी सारी चीज़ें सुरक्षित रखेंगी। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने कहा कि ये आवश्यक नहीं है, यानी अगर ज़रूरत होती तो मैं ये पूछती। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, अगर मैं ऐसे बात करती तो ये उसकी इंसल्ट होती। क्योंकि राइटर की मदर की नज़रों में मिसेस डोरलिंग बहुत ही अच्छी औरत थी जो उनकी हेल्प कर रही थी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और देखो वो कितना रिस्क उठा रही है। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, हर बार जब भी वो हमारे घर से जाती हैं कितने सारे सूटकेस और बैग लेकर जाती हैं। यानी उसने लग रहा था कि मिसेस डोरलिंग उनकी हेल्प कर रही हैं, उनका घर उनके घर का सारा सामान ले जाकर, जबकि मिसेस डोरलिंग अपना खुद का फ़ायदा देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये लोग चले जाएंगे और उसके बाद कभी वापस नहीं आएंगे और ये सारा सामान उनका हो जाएगा। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी मदर ने भी ये नोटिस किया कि मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, उन्होंने रोविंगली यानी डांटते हुए या गुस्से से मुझे देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, इसी बीच मैं स्टेशन पर आ गई और मैंने रास्ते की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, युद्ध के बाद पहली बार मैं उस जगह पर आई थी और वहाँ के जो जितने भी प्लेस थे, जितनी भी जगह थी, वो सब मेरे लिए फैमिलियर थी, परिचित थी, क्योंकि वो लोग पहले वहीं रहते थे। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन
मैं ज़्यादा नहीं देखना चाहती थी, सिर्फ वही देखना चाह रही थी जो ज़रूरी था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं नहीं चाहती थी कि इन सब चीज़ों को देख कर मैं अपने आप को अपसेट करूँ, मुझे पुरानी बातें याद आएँ। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, क्योंकि वो सारी गलियाँ, सड़कें, वो घर, उनके एक प्रीशियस टाइम, जो वो अच्छा समय था जब वो पूरा परिवार एक साथ रहता था, उसकी यादों से भरा हुआ था। और क्योंकि अब उसके परिवार में कोई भी नहीं बचा था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उन सब चीज़ों को देखकर, उन्हें याद करके वो अपने घर को वापस से याद करे। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। ट्रेन में वापस से मैंने मिसेज डॉर्लिंग को अपने सामने देखा, यानी मैं फिर से मिसेज डॉर्लिंग के बारे में सोचने लगी जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये उस दिन के बाद का अगला ही दिन था जब मेरी मदर ने उनके बारे में मुझे बताया था। इसका मतलब मिसेज डॉर्लिंग लगभग रोज़ उनके घर आती थी कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए। आई हैड गॉट अप लेट, मैं उस दिन देर से सोकर उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा मेरी मदर किसी को बाहर छोड़ने गई हैं। इसका मतलब मिसेज डॉर्लिंग सुबह सुबह आकर ही सामान ले जाती थी। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, क्योंकि उसकी मदर उसे छोड़ने गई थी, यानी वो औरत घर से जाने ही वाली थी, इसलिए उसकी बैग घर की तरफ थी। तो मैंने देखा कि ब्रॉड बैक यानी उसकी जो बैग थी वो काफ़ी चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि ये मेरी बेटी है। शी बैकन टू मी, मेरी माँ ने मुझे हाथ से बुलाया। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस औरत ने अपना सर हिलाया और कोट रैक इस तरह की होती है जहाँ पर कोट टांगे जाते हैं, उसके नीचे रखे हुए सूटकेस को उठा लिया। शी वॉर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, उस समय मिसेज डॉर्लिंग ने एक ब्राउन कलर का कोट और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड, मैंने अपनी मदर से पूछा क्या ये बहुत दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद ए हैवी केस, क्योंकि उन्होंने बहुत भारी बैग लिया हुआ था और वो बहुत मुश्किल से घर से जा रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट, मेरी माँ ने कहा ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और उनके घर का नंबर 46 है। और आज राइटर उनके घर पर गई थी और उन्होंने अच्छी तरह से देखा था, नंबर 46 ही लिखा हुआ था। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये नंबर याद था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया था वहाँ जाने का। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, लिबरेशन के तुरंत बाद मैं उन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल समय था उसके लिए जब उसके घर के सारे सदस्यों को मार दिया गया था और वो इधर उधर छिप रही थी। तो लिबरेशन के बाद वो वहाँ पर नहीं आना चाहती थी अपने सारे स्टोर्ड स्टफ के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था उसके घर का सारा सामान मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ पर स्टोर्ड है, सुरक्षित है। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, और वास्तव में मैं थोड़ी सी डरी हुई भी थी। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. मुझे डर था कि उन सब चीज़ों से मेरा सामना होगा जिनसे कभी मेरा कनेक्शन था, लेकिन वो कनेक्शन अब नहीं है। यानी उन सारी चीज़ों का कनेक्शन उसके घर से था और उसके घर में उसके पेरेंट्स, भाई बहन सब रहते थे, और अब वो लोग नहीं हैं। उन सब चीज़ों को देखकर राइटर को अपने परिवार की याद आती और वो इसको भूलना चाह रही थी। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, वो उस सारे सामान को नहीं देखना चाह रही थी जो कि कबर्ड्स में, अलमारी में, बॉक्स में छिपा हुआ है और वेट कर रहा है बेकार में ही कि उन्हें वापस उसकी जगह पर रखा जाएगा, क्योंकि वो सामान अब कभी भी उस जगह पर नहीं जाएगा। Which had endured all those years because they were things, और वो सारा सामान इतने सालों तक इसलिए endured रहा, इसलिए बचा रहा क्योंकि वो चीज़ें थीं, अगर इंसान होते तो कभी का उन्हें मार दिया जाता।
बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. लेकिन धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर. ब्रेड का कलर लाइट होने लगा. इसका मतलब है पहले जो टाइम था जब वो छिप कर अपना समय बिता रही थी या उस समय कैंप में थे, तब उन्हें बहुत ख़राब खाना मिलता था, सूखा हुआ बासी खाना मिलता था. लेकिन अब लिबरेशन के बाद उनकी ब्रेड का कलर हल्का हो गया था, यानी पहले से अच्छी रोटी मिलने लगी थी. देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड. अब वो बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी धमकी के बेड पर सो सकती थी. वरना जो 4-5 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उन्होंने बिताए थे, उसमें वो सो भी नहीं पाते होंगे, ये राइटर कहना चाह रही हैं. ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे. अब वो एक ऐसे रूम में रह रही हैं जहाँ पर उन्हें रोज़ देखा जा सकता है, यानी वो रोज़ घर से बाहर निकल सकती थी. वरना इससे पहले वो जब छुप कर रह रही थी, शायद कई कई दिन तक वो घर के बाहर भी नहीं आती होंगी. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पोजिशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. और एक दिन मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई कि वो सारी चीज़ें अभी भी उस एड्रेस पर होंगी. आई वॉन्टेड टू सी दैम टच एंड रिमेंबर. मैं उन चीज़ों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डोर्लिंग्स हाउस. जब मिसिज डोर्लिंग के घर में मेरी पहली विजिट बेकार हो गई, आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम. मैंने डिसाइड किया कि एक बार और ट्राई करूँगी. नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन्ड द डोर टू मी. सेकेंड बार जब मैं उनके घर गई, तब एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम. मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी मदर घर पर हैं. नो शी सैड. उसने कहा नहीं, माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड. मेरी माँ एक एरेंड, एरेंड यानी कुछ काम से गई हैं. नो मैटर आई सैड आई विल वेट फॉर हर. कोई बात नहीं, मैं उनके लिए इंतज़ार कर लूँगी. आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज. मैं पैसेज में यानी गैलरी में अंदर घर में लड़की के पीछे गई. एंड ओल्ड फैशनड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर. गैलरी में मैंने देखा कि एक पुराने फैशन का अनोखा कैंडल होल्डर. अनोखा कैंडल होल्डर इस तरह का होता है जिसमें एक साथ कई कैंडल चलाई जा सकती हैं, वो मिरर के पास रखा हुआ था. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक. हम लोग कभी भी इसे यूज़ नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत ही भारी भरकम था, कम्बरसम था. इसकी जगह हम एक सिंगल कैंडल स्टिक होल्डर को यूज़ करते थे. यानी ये जो हनुखा उनके गैलरी में रखा हुआ था मिरर के पास, ये राइटर का ही था. वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल. लड़की ने मुझे बैठने के लिए कहा. शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम. उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला. एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. और मैं उसके पीछे लिविंग रूम में गई. आई स्टॉप्ड हॉरीफाइड. मैं रुक गई लिविंग रूम में और साथ ही हॉरीफाइड यानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई उस लिविंग रूम की चीज़ों को देखकर. आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. क्योंकि मैं उस रूम में थी जिसे मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी. जानती थी इसलिए क्योंकि उस रूम में जितना भी सामान रखा हुआ था वो सब उसी के घर का सामान था. और उसे नहीं जानती थी क्योंकि ये रूम उसके घर का नहीं था, ये मिसेज डोर्लिंग के घर का रूम था. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन. मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया. मिडस्ट का मतलब होता है बीच में, जिन्हें मैं वापस से देखना चाहती थी. बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर. लेकिन अब इन चीज़ों ने मुझे अप्रेस कर दिया था, यानी घुटन हो रही थी उन सब चीज़ों को देख कर. उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसका दम घुटने लगा था. बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद कल करेंगे.